हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन moviesharaa.com, सबसे बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म। माइसेल्फ बलबीर सिंह और केमिस्ट्री टीचर। टुडे वी विल ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री जेईई मेंस ऑफ 2019। योर क्वेश्चन इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्पिन ओनली मैटिक मोमेंटम ऑफ द मेटल आयंस इन द फॉलोइंग लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स के कुछ नाम दे रखे हैं, दो CN के हैं, दो अमोनिया के हैं, वेनेडियम और आयरन। ठीक है, वेनेडियम का और आयरन का, क्लियर है, वेनेडियम और आयरन का। तो हम, और फिर रुथेनियम, रुथेनियम हमारा कुछ नहीं, हमारे आयरन के नीचे ही का एलिमेंट है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और उसमें ऑक्सीजन स्टेट हमारी अलग है। तो सबसे पहले हम आपको ये बी CN6-4, इसके अंदर जो वेनेडियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है और इसका एटॉमिक नंबर 23 है। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर इसका जो हाइब्रिड स्टेट होगा उसको देखेंगे और इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखा जाएगा अर्गन 3D3-4S0। कैसे हम शॉर्टकट तरीके से लिखते हैं, देखो मैं बताता हूँ। जैसे वेनेडियम 23 है तो 23 में से 18 माइनस करो तो कितना बचा, 5 बचा। ठीक है, तो 2, 10, 18, तो हीलियम, नियॉन, अर्गन, तो आपको अर्गन लिखना है और 18 इलेक्ट्रॉन्स आपने इसमें फिल कर दिए। अब बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, 4S2 और 3D3 ये हुआ। अब हमारे इसका ऑक्सीजन स्टेट कितना है, +2, तो इसका मतलब है ये 0 हो जाएंगे। ठीक है जी, तो हमारा वो 0 हो गया। ये जो हम दिखा रहे हैं इसका दिखा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स है उसकी उसकी हाइब्रिड निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, D2SP3। ये हमारी हाइब्रिड है, लेकिन हमको तो किससे मतलब है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से मतलब है। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। अब हमको क्या करना है, यही काम इसके लिए करना है। किसके लिए, आपको किस Fe के लिए कर लें, Fe के लिए यहां कर लेते हैं Fe CN6 और इसके ऊपर कितना चार्ज है, -4। इसका मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखो इसमें कितना निकल के आएगा, +2 निकल के आएगा। और आयरन का एटम नंबर होता है 26, आयरन का एटम नंबर कितना होता है 26, तो 26 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। आयरन 26 जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन इसमें +2 ऑक्सीजन स्टेट है, तो क्या होगा, अर्गन, और अर्गन में 18 चला गया और फिर क्या आएगा, 3D6-4S2। अब इसके अंदर +2 ऑक्सीडेशन कितना है, ऑक्सीजन स्टेट हमारी कितना है, +2 है, इसके अंदर +2 है, तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे, तो हमारा क्या बचेगा, 5D6 बचेगा, यानी कि 5D6। अब 5D6 है तो D6 है तो इसमें, सॉरी 3D6 है तो कितना हमारा, ये 6 हमारे पेयर हो जाएंगे, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जैसे हमारा इसमें देखेंगे तो क्या होगा, T2G3 और Eg0, तो इसमें क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो T2G6 और Eg0, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसका मतलब इसके जो N निकल के आए, इसकी हाइब्रिड स्टेट तो क्या निकल के आई, इसमें D2SP3 निकल के आई, और अनप्रोटॉन्स क्या हो गए, 0 हो गए। अनप्रोटॉन्स कितने हो गए, 0, तो इसके अनप्रोटॉन्स कितने हैं, 0, जो हमारा इसका आयरन का, यानी कि ये पहले नंबर पर ये है, दूसरे नंबर पर ये, दूसरे नंबर का हमने ये निकाला, पहले नंबर का ये निकाला। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको तीसरे नंबर का और चाहिए, तीसरे नंबर का क्या है उसको देख लेते हैं। ये है आपका रुथेनियम, यानी कि हेक्साएमीन रुथेनियम आयन। ठीक है, अब ये इसका एटॉमिक नंबर ये समझो कि जस्ट इसके नीचे ही होता है, आयरन 40 ये हमारा रुथेनियम जस्ट इसके नीचे ही होता है, यानी कि ये जिस ग्रुप में लाई करता है उसी ग्रुप में ये लाई करता है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, इसकी ऑक्सीजन स्टेट हमारी प्लस टू थी, इसकी प्लस थ्री है। तो इसका हम जब निकालेंगे तो इसका हाइब्रिड स्टेट जो हमारे इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे वो हमारा जो 4d, वहाँ हमारे कितने 6 निकल के आ रहे थे, यहाँ 5 निकल के आएंगे और 4s0। इसका जो हाइब्रिड स्टेट बनेगा वो हमारा बनेगा d2sp3। अब जब हम इसको जब इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन देखेंगे तो t2g5 और eg0, तो इसका मतलब क्या, एक पेयर होगा तो इसमें n कितना होगा, इसके अंदर n होगा 2, कितना होगा n2 होगा, क्या होना चाहिए n2। देखो यहाँ n0 निकला और यहाँ n3 निकला और यहाँ n2 निकला, तो इसमें हमारे n हमारे क्या निकले, इसमें तो 3 निकले थे और इसमें 2 निकले, सॉरी 0 निकला, इसमें क्या निकाला था हमने, 0 निकाला है, और इसमें कितना निकाला, n2 निकाला, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने निकले, 2 निकले। अब हमारी बात बचती है इसके लिए, किसके लिए, क्रोमियम यानी हेक्साएमीन क्रोमियम आयन, हेक्साएमीन क्रोमियम आयन। तो इसके लिए जो हमारा क्रोमियम, इसमें प्लस टू है, टू प्लस है, क्रोमियम टू प्लस है, ठीक है जी, एटम नंबर 24 होता है। तो अब आपको क्या देखना है कि इसके अंदर जो आपका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखा जाएगा, एक तो ऑर्गन होगा और 3d5 4s1, ये होता है, लेकिन प्लस टू है तो इसमें से एक निकल के गया, ये 0, और इसमें कितने हो जाएंगे 4, इसमें कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, क्लियर है, ये 4 हो जाएंगे। और यहाँ हमारा जो इसके अंदर यहाँ हमारा देखें प्लस टू है, प्लस हमारा क्या आ रहा है, इसमें हमारा 4 ही आ रहा है, और कहीं 4 आया था, कहीं 4 आया था, इसमें और देख सकते हैं क्या है, इसमें एक हमारा प्लस 3 होने की वजह से हमारे इलेक्ट्रॉन 2 आ गए, और इसमें भी कितना आ रहा है, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हमारे देखेंगे T2G, तो इसके अंदर भी देख लें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कितने होंगे, यानी इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, यहाँ हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, अगर बाटर होता तो वीक फील्ड लीगेंड होता, बाटर होता तो वीक फील्ड लीगेंड होता, वाटर होता तो वीक फील्ड लीगेंड होता, ठीक है जी। तीन निकले, 0 निकला और 2 निकला, और इसमें देखते हैं कितना निकल रहा है क्रोमियम के अंदर, हमारा क्रोमियम का एटम नंबर होता है कितना, 24 होता है, तो हमारा अभी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखा, तो ये इसका हाइब्रिड स्टेट, इसमें अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड ही है, तो हाइब्रिड स्टेट तो क्या बनेगी, D2, क्या बनेगी, D2SP3, और इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखा जाएगा T2G4 और Eg0, यही लिखा जाना चाहिए। तो हमारा जब हमारे इसके अंदर जब इस तरीके से T2G के 3 ऑर्बिटल बनाएंगे तो पहला दूसरा और तीसरा और चौथा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ भी हमारा n कितना निकल के आएगा, n इक्वल टू टू निकल के आएगा। तो देखो यहाँ हमारा क्रोमियम और रुथेनियम इन दोनों में अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने निकल रहे हैं हमारा इसके अंदर, एक सेकेंड, इसके अंदर तो भैया एक निकलेगा, एक n=1 निकलेगा, यहाँ देखो 5 है ना, तो यहाँ फिल करके देख लो कितना निकलेगा, आप यहाँ फिल करके देखें, बैड दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, n=1, तो इसमें कितना निकला, इसके अंदर हमारा 1 निकला, ठीक है जी, 1 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 0 और ये। अब आप देखिए इसमें कितने निकल के आए, 2। अब जरा ध्यान से देखो, सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंटम किसका होगा, वैनेडियम, उसके बाद किसका होगा क्रोमियम, उसके बाद किसका होगा रुथेनियम, और सबसे कम किसका होगा आयरन, इसमें तो 0 ही है। तो ऑप्शन सेकंड कहाँ दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, क्लियर है, ध्यान से देखें, हमने वैनेडियम की बात यहाँ करी, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने निकले, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक मोमेंटम निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है हम उससे ही निकालेंगे, यानी कि n n+2 और bm। अब आप जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंटम भी आगे करेंगे, ज़्यादा ही निकलेगा, ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पता लग गया, तो इसके अंदर जो वैनेडियम का मैग्नेटिक मोमेंटम होगा वो सबसे ज़्यादा होगा,
उसके बाद हमारे उससे कम नंबर किसमें दिखाई देने, क्रोमियम में, दो तीन के बाद, उसके तो हमारे तीन अनपेयर थे, इसमें दो अनपेयर है तो हमारा फिर ये कम हो गया। और उसके बाद हमारा रोथेनियम, इसमें बड़ी एक अनपेट्रोन है और इसमें तो जीरो है, इसके अंदर तो जीरो है, अनपेट्रोन क्या आ रहे हैं उस कम्प्लेक्स के अंदर, जीरो आ रहे हैं। तो आपको इन कम्प्लेक्स के मैडिक मोमेंटम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, बीबीटी थ्योरी जो ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिस्क्राइब करके निकालना पड़ता है। और उसको जब हम अप्लाई कर रहे हैं और हर एक को अलग अलग निकाल के देख रहे हैं सीक्वेंस बाई, तो आपको पता होगा ये हमने नंबर टू का निकाला, ये नंबर एक का निकाला, और ये हमने यहीं पर निकाला था इसका, और ये हमने यहाँ इसका निकाला, ठीक है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आपको पता लग गया होगा कि इसमें कितने अनपेयर निकल के आए, इसमें अनपेयर कितने निकल के आए, हमारे दो निकल के आए, वो कहाँ लिखे हैं हमने, इसके दो लिखे हुए, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको ऑप्शन सेकंड सही आंसर दिखाई दे रहा है इसका, क्लियर है। क्वेश्चन में चार हमारे कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, उनकी बीबीटी थ्योरी निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का शॉर्टकट तरीका आना चाहिए, और उसको आसानी से करके कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिड स्टेट को भी दिखाना पड़ेगा। सब में सभी है ऑक्टाहेड्रल ने, सभी की हाइब्रिड स्टेट D2SP3 है, ठीक है, लेकिन अनपेयर इलेक्ट्रॉन का हिसाब रखने के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। ये मैंने आपको प्रैक्टिस करके जो दिखाया है, अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी होती तो थोड़ा फास्ट निकल के आता, लेकिन हमने इस पूरा समझाते हुए लिखा है तो इसमें टाइम लगा है, ठीक है, समझाने के लिए टाइम लगा है। आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा और सही ऑप्शन आपको पता लगा होगा। थैंक यू।